हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और मैं उठी हूँ 6 बजे में। मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ गाइस, और ये देखिए मैं पोछा लगाने के लिए आई हूँ। आज जल्दी जल्दी काम मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि सोची कि थोड़ा सा घर का सफाई कर लें और मंदिर भी जाना है। तो चलिए पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर आगे का काम निपटाती हूँ। और बेटे को भी स्कूल भेजना, बज रहा है 7, तो मुझे 1 घंटा में पोछे को कम्प्लीट करना है। तो चलिए मैं पहले पोछा लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। फाइनली गाइज 7:30 बज रहा है, मुझे बेटा को उठाने का टाइम हो गया, तो मैं चल रही हूँ बेटा को उठाने के लिए। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ सुना, उठ जाइए। 7:30 हो गया बिट्टू, हो जाओ मेरा बच्चा। वजह से बट बेटा को मुझे जल्दी उठाना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लगाता है रेडी वेडी होने में। तब तक मैं अपना इधर पोछा कंप्लीट कर लेती। मेरा पोछा हो गया है ख़त्म। अब मैं जाती हूँ, पहले सबसे पहले बेटा को उठाऊंगी। आजकल में डिक्टेशन हो जाएगा, जल्दी से उठ जा। यहाँ पे मैं बाबू को उठा के ब्रश करने के लिए चली आई हूँ। बाबू भी मेरे संग आ गया है ब्रश करने के लिए, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है और टाइम मेरे पास कम है। बाबू को 9 बजे तक स्कूल जाना रहता है, तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी ब्रश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नाश्ता भी बाबू के लिए बनाना है। बाबू भी ब्रश कर रहे हैं। अभी 8 बजी है, मगर अब सुबह से मैं एक बार भी टी और या ग्रीन टी वगैरह नहीं पीऊँ, तो इसलिए जल्दी से जाती हूँ। जब तक बाबू ब्रश कर रहे हैं, तब तक मैं जल्दी से ग्रीन टी बना के पी लेती हूँ। यहाँ पे मैं ग्रीन टी के लिए पानी चढ़ाती हूँ और बाबू को सोच रहे हैं कि मैगी बना के दे देते हैं। पहले मैं ये बैग निकाल रही हूँ ग्रीन टी वाला, और जैसे ही मैगी निकालती हूँ तो मैगी का पैकेट फटा रहता है, पूरा मैगी नीचे गिर जाता है। तो जो अच्छा था उसको मैं रख दी थी, मगर बाबू को बोली थी झाड़ू लिया बेटा लगा देती, क्योंकि पैर से ना पूरा लग लग के जो है पूरे किचन में फैल जाता। तो यहाँ पे पहले मैं मैगी निकाल के रख देती हूँ, और यहाँ मैं ग्रीन टी बना के साइड कर ली थी, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था। यहाँ पे मैं इसे हटा देती हूँ जो नीचे गिरा हुआ है, क्योंकि झाड़ू पोछा हो चुका है और पूरे घर में फैल जाएगा, इससे अच्छा कि पहले इसे हटा ही लेते हैं। यहाँ पे मैंने मैगी रख दिया है बनने के लिए, और तब तक मैं जाके बाबू के लिए टिक्की ले आती हूँ, क्योंकि आज उसे टिक्की दूंगी टिफिन में। तो जब तक टिक्की ला रही हूँ, तब तक मैगी का सीन कम कर दी हूँ और मैं जाती हूँ टिक्की ले आती हूँ। फाइनली मैंने भी टिक्की निकाल के ले ही आया है, और यहाँ पे मैं टिक्की रख देती हूँ फ्राई होने के लिए। जल्दी से बाबू का लंच तैयार कर देती हूँ। तब तक एक साइड मैगी बन रहा है, एक साइड टिक्की फ्राई हो रहा है। जल्दी से बाबू को मैगी निकाल के देती हूँ, क्योंकि उसे खाने में भी टाइम लगता है ना, बड़ा स्लो। हर चीज़ सुबह में थोड़ा सा बच्चे जो होते हैं ना बहुत परेशान करते हैं। तो यहाँ पे मैं बाबू को मैगी निकाल दिया, और यहाँ पे पराठे सेक रही हूँ। जल्दी से मैं 2 पराठे बाबू को टिक्की और सॉस आज टिफिन में दूंगी, तो वही मैं कंप्लीट कर रही हूँ।
यहाँ बाबू का फाइनली टिफिन हो चुका है रेडी, और अब मैं जो है आरब के पापा के लिए चाय चढ़ा देती हूँ। मैं तो नहीं पीऊंगी क्योंकि अभी ग्रीन टी तुरंत पीऊँ, इसलिए आरब के पापा की चाय बना देती हूँ, क्योंकि जब तक वो चाय पियेंगे तब तक मैं बाबू को रेडी कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं चाय को चढ़ाई हुई हूँ, बाबू की टिफिन हो चुकी है रेडी, अब बाबू को बस तैयार करना है। तो मैं किचन से निपट के जाती हूँ तो बाबू को तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैं दूध चढ़ाई हूँ गर्म होने के लिए, और इसमें चीनी चाय पत्ती डालूंगी। उसके पापा को दे दिया चाय, और यहाँ बाबू को मैंने आधा रेडी कर चुका था और आधा बचा हुआ था, तब तक मैं इसके पापा भी चाय पी के चले आए। वो भी रेडी होने के लिए जा रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें कल ही बोल दिया था कि आज आप बाबू को छोड़ देना, तो बाबू को याद आया कि मैं अपना बैग नहीं लगाया हूँ, तो जल्दी जल्दी अपना बैग लगाने लगा। तब तक मैं उसे कॉम्ब और क्रीम वगैरह जो था वो रेडी कर दी थी, क्योंकि 8:40 से बैग था और 9 ही है, मैं उसे बोल रही थी शूज़ पहनना, तो अब जाएगा ये शूज़ पहनेगा। और इसके पापा चले गए नीचे पार्किंग में गाड़ी निकालने के लिए, जब तक कि गाड़ी निकालेंगे तब तक कि मेरा बेटा जो यहाँ पे है शूज़ पहन लेगा फटाक से, क्योंकि इसे शूज़ तो पहनने आता है मगर शूज़ लेस बांधने नहीं आता, तो ये जल्दी यहाँ पे डालेगा सूज और मैं इसका सूज लेस बांध दूंगी। देखिए आप यह सूज पहन रहा, सूज लेस भी बांध दिया और ये जा रहा है स्कूल। अब मैं जाती हूँ नहाने क्योंकि मुझे जाना है मंदिर, आज मंगलवार है तो मुझे हनुमान मंदिर जाना है। तो पहले मैं नहा लेती हूँ और पूजा रूम साफ कर लेती हूँ, क्योंकि सारे काम हो चुके हैं। पूजा रूम नहीं साफ कर पाई थी, बाबू को स्कूल भेजना था, तो जल्दी से पहले वो क्लीन कर लेते हैं, फिर आएंगे तब बेड लगाएंगे। तब से पहले जो है हम साड़ी निकाल लेते हैं कि कौन सा पहन के जाएंगे। यहाँ पे हमने साड़ी निकाल ली है गाइस, ये वाली साड़ी पहनी है। जो है 9:30 बजे तक हो जाता है क्योंकि बाबू के जाने के बाद सबसे पहले मैं नहा के पूजा ही करती हूँ, और आज तो ट्यूसडे है, मुझे मंदिर जाना है, पूजा हो चुका है मेरा कंप्लीट, और अब मैं जा रही हूँ मंदिर का फोन आ चुका है, तो चलिए चलते हैं। दर्शन तो गाइज हो गया है, मगर आज तो मंदिर में बहुत ज्यादा ही भीड़ था, दर्शन हम लोग करके घर को निकल रहे हैं। बट घर जाने से पहले जो है हमें एक स्कूल में विजिट करना है, ये है बचपन, बचपन में मेरा बेटा पढ़ चुका है, जिसमें उसका सारा फोटो यहाँ पे लगा है, आज भी उसका, उसको छोड़े हुए 3-4 साल हो गए और आज भी उसका फोटो जो है यहाँ पे देखिए गाइज लगा हुआ है। मैं उसको घर जाके दिखाऊंगी। उसके बाद हम लोग घर को आ गए, तो भैया दीदी सबको संग में आए यहाँ पे, थोड़ा हम लोग ब्रेकफास्ट संग में करेंगे। उसके बाद दीदी लोग रेडी है दीदी को दे दी खाने के लिए, अब मैं आती हूँ थोड़ा सा। खाना में हो गया था काफ़ी लेट गाइस, ज़्यादा जल्दी जल्दी खाना बनाया दीदी लोग के जाने के बाद। यहाँ पे मैं पतिदेव का खाना निकाल रही हूँ, और चाय आजकल हम लोग कम कर दिए हैं तो दूध भी बच जाता है, तो दही डेली जमा देते हैं, तो पतिदेव खा लेते हैं रोटी के संग, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करके पतिदेव को खिला देती हूँ। आज उनकी ऑफ थी तो इसलिए क्या कहते हैं कि थोड़ा सा लेट भी हो गया, तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे मैं उनका खाना लगा रही हूँ जल्दी से और फिर खिलाती हूँ, फिर थोड़ा सा जाके खा के मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। यार फाइनली गाइस हमने दिया भी दिखा दिया और सोके भी उठ गए, काफ़ी आज थक गए, बहुत सारा काम किया और कपड़े भी मैं छत से सुखा के लिया हूँ, उसे पहला खाना खा जाती हूँ, उनसे पूछ लेती हूँ कि चाय वाय पियेंगे नाश्ता कुछ करेंगे, क्योंकि हम बहुत लेट ही खाना खाए थे, बट तो भी हम पूछ लेते हैं। उसके बाद जो है फिर रात के खाने के लिए मेरा खाना भी बन चुका है, 9:30 बज रहा है, मेरा खाना भी बन चुका है और मैं इतना कपड़ा अभी प्रेस की हूँ और फिर यहाँ पे रखा हुआ है, वो कपड़े सब सुखा के तह लगाई हूँ। अब जाती हूँ थोड़ा सा भुजिया बनाना है मुझे और रोटी सेकना, तो जाती हूँ इनसे पूछती हूँ कि रोटी खाएंगे अभी कि थोड़ा देर बाद खाएंगे, तो इसलिए बाद में 2 बजे हुए, बाद में करेंगे, बाद में लेके जाएंगे सारे कपड़े सब। फिर मेरा बेटा जो है अपना स्कूल वर्क कर रहा है, कुछ मिला हुआ था इसका भी बेचारे का, अभी डिक्टेशन वगैरह होने वाला है, ओरल वगैरह बेचारा लगा हुआ है पढ़ाई में, दिन भर इसका पढ़ाई में भेजा था। और यहाँ पे मैंने तड़का कुकर में बनाया है और थोड़ा सा आटा छान के यहाँ पे हमने रख दिया है, देखिए छेद जो बड़ा हो गया ना दर्द करता है, इसलिए थोड़ा जाती हूँ देखती हूँ किस चीज़ को भुजिया बना सकती हूँ। काफ़ी ज़्यादा बिजी थी तो यहाँ पे मैं खाना रेडी कर चुकी हूँ, रोटी सेक रही हूँ और थोड़ा सा भुजिया बाकी था, तो जैसे ही भुजिया होगा वैसे ही मैं प्लेट में निकालूँगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे प्लेट रखा हुआ है। तो फाइनली खाना निकालती क्योंकि 9:30 हो रही थी और आरब ने अपना ड्राइंग दिखा रहा था, तो मैं वहाँ भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, बच्चे की बात सुन रही थी और रोटी सेक रही थी, क्योंकि आरब के पापा को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैं सोची कि पहले जल्दी से निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर मैं प्लेट ले रही थी और उनका खाना निकाल के सबसे पहले उनका खाना लगा रही थी, क्योंकि जल्दी से वो खा लें, कहीं सो जाएंगे तो फिर नहीं खाएंगे, तो यहाँ पर मैंने खाना लगा लिया और लेके जा रही हूँ। आलू गोभी की भुजिया है और तड़का सैलेड है और थोड़ा सा दही है, तो यहाँ पे मैंने उनको दिया है और वो उठ के बैठ गए हैं। उसके बाद उसी प्लेट में मैं खा लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं लगाती हूँ, और रात का टाइम है तो हम रात का जो बर्तन होता है किचन होता है सारा कुछ क्लीन कर लेती थी। यहाँ पे मैं और बाबू बैठ के खा रही थी और उससे बातें कर रही थी, कुछ वो पूछ रहा था तो उसका मैं जवाब दे रही थी, उसके बाद मैं किचन क्लीन करूँगी। फाइनली यहाँ पे हम लोग अर्जेंट कॉल आ गया था जिसे मुझे रिसीव करना पड़ा, तो यहाँ पे मैं पूरा किचन को क्लीन इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि सुबह उठ
कि बाबू का लंच वगैरह बनाना रहता है तो किचन साफ करने का झंझट नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं सारा ए टू जेड बर्तन, जितना बर्तन होगा छोटा सा बड़ा, सब मैं वॉश कर लेती हूँ। रात में हमारे यहाँ वैसे भी रहता नहीं है, तो अभी कोई नहीं है तो सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है, तो प्रॉपरली सारा टाइम से करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से वॉश करके पूरा किचन जो है क्लीन करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से मैं पूरा क्लीन करती हूँ। अगर ये मेरा फुल रूटीन आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, ताकि जो भी आने वाला नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचेगा। और बहुत बहुत सारा प्यार दीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि मेरा वीडियो तो बेसिंग साफ अभी करेंगे मम्मा, गंदा हो जाता बेसिंग ये देखिए। फाइनली गाइस मेरा किचन हो गया है क्लीन। अब मैं चलती हूँ बेटा को लेके बेड पे, तो चलिए बाय बाय। यही मेरा रूटीन था, अगर आपको मेरा रूटीन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। बाय बाय।